नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एडमिशन 2021 की जो एडमिशन प्रोसेस है वो आज से शुरू हो गई है, जिसके जो राउंड्स है वो आज से शुरू होने वाले हैं 10th ऑफ डिसम्बर 2020। आज से एक डिक्लेयर कर दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, एडमिशन के शेड्यूल भी डिक्लेयर कर दिया है। इस शेड्यूल के हिसाब से अब कैंडिडेट को जो है एप्लीकेशन भरना है एडमिशन के लिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो बीएड एडमिशन की जो वेबसाइट है वो है BEDHEPRAVESH.IN। इस वेबसाइट की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से देख लीजिए। इस एडमिशन में आपको आपकी जानकारी, आपका एप्लीकेशन भरना है, उसके पहले आप ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर यहाँ पे दिया हुआ है पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। इसकी मदद से आपको आपका एप्लीकेशन अच्छे से भर सकते हो। यहाँ पे यूज़र मैनुअल भी दिया है और कुछ वीडियोस भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसकी मदद से आप आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सही तरीके से भर सकते हो। इसी वेबसाइट पर आपको लॉगिन क्रिएट करना है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा, उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करके जो एप्लीकेशन है वो इसी वेबसाइट से भरना है। उसके बारे में आपको सारी जानकारी इस ब्रोशर में मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जब आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भरोगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये ब्रोशर है, आप पूरा पढ़िए। मैं सिर्फ कुछ पेजेस ही आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन आप ये पूरा का पूरा जो है वो खुद पढ़िए, पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक पढ़िए। पेज नंबर 52 पर दिया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं जब आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भरोगे। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई कि आप जो भी स्कैन करोगे डॉक्यूमेंट, स्कैन करके जो भी आपको अपलोड करने हैं ओरिजिनली चाहिए। जेरोक्स आपको आप स्कैन मत कीजिए, ओरिजिनल को स्कैन कीजिए और उसी को अपलोड करनी है। अब आते हैं पेज नंबर 53 के ऊपर। 53 पर यह दिया हुआ है कि इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बीएड स्पेशल एजुकेशन कैप 2020। कैप का मतलब है सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। यहाँ पर ये पेरेंट्स और स्टूडेंट को बताया कि आप जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आप पहले ही स्कैन करके रेडी रखिए पेन ड्राइव में या फिर कंप्यूटर्स में, ताकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो तो आपको इमीडिएटली आप अपलोड कर सकते हो। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर वेब लिस्ट आगे दी हुई है। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ भी अपलोड करना होगा, जिसकी साइज जो दी है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो भी 20 KB से लेकर 10 KB से लेकर 20 KB तक होनी चाहिए, और ये फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर है ये JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने है उसकी साइज जो है नीचे उसका जो साइज है वो 150 KB मैक्सिमम होना चाहिए और वो PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। फोटोग्राफ और सिग्नेचर इमेज फॉर्मेट में आएंगे और जो भी डॉक्यूमेंट है वो PDF फॉर्मेट में आएंगे। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो रीडेबल होने चाहिए, क्योंकि आप साइज रिड्यूस करने के यहाँ साइज लाने तक कभी कभी हो जाता है कि वो बहुत ही हम उसको देख भी नहीं सकते, तो क्लैरिटी लॉस नहीं होनी चाहिए, रीडेबल होने चाहिए, ये ठीक से आपको इंश्योर करना है। अगर वो ठीक से नहीं देखे जाए, अगर वो रीडेबल नहीं हुए तो उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा और इसके हो सकता है कि आपकी एडमिशन के बारे में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर की गई है इस ब्रोशर में पेज नंबर 53 के ऊपर। कैंडिडेट टाइप दिया है ऑल कैंडिडेट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय अपलोड करने हैं। एक FY SY TY डिग्री मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। FY SY TY आपकी जो डिग्री है वो के तीनों मार्कशीट आपको अपलोड करने हैं। ये आपको एक ही फाइल बनानी होगी, सारे आपको FY SY TY के एक साथ ही स्कैन करके एक ही फाइल बनानी होगी। ये पहला डॉक्यूमेंट है। उसके बाद दूसरा जो है वो डिग्री या ग्रेड्स टू मार्क्स कन्वोकेशन सर्टिफिकेट, मतलब अगर आपकी डिग्री उसने कन्वोकेशन की तरफ से डिग्री आपको आ गई है तो वो भी आपको अपलोड करनी है, लेकिन ये ऑप्शनल दिया हुआ है। या फिर जो एक अगर किसी को ग्रेड दिए हुए हैं तो ग्रेड का कन्वर्सेशन मार्क्स में करके भी कुछ सर्टिफिकेट्स आते हैं, तो अगर उस तरह से कुछ है जो ऑप्शनल है तो वो भी आपको अपलोड यहाँ से करना है। थर्ड है पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क्स मेमो, मतलब मार्कशीट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है तो
तो ये भी आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अगर आपके अलग अलग है तो आपको एक साथ ही स्कैन करके अपलोड करना है। अब मैं पहले डॉक्यूमेंट की तरफ से फिर से आऊँगा, FY SY TY। ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी 2 ईयर्स का ही डिग्री देते हैं, तो उनके जो डिग्री की जो मार्कशीट जो होती है उसमें SY TY के मार्क्स होते हैं, FY के मार्क्स नहीं होते। तो आपको क्या करना है, FY SY और TY तीनों ईयर्स की जो मार्कशीट है वो स्कैन करके उसको एक ही फाइल में अपलोड करना है, और आपको ये भी देखना है कि उसका साइज जो है 150 KB से ज़्यादा ना हो। तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स एकेडमिक आपके है डिग्रीज और पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में। फोर्थ डॉक्यूमेंट जो है वो CET का स्कोर कार्ड, वो अभी आपने डाउनलोड नहीं किया होगा तो कर लीजिए, उसकी प्रिंट भी आप अपने पास रखिए। ये जो है ये भी आपको PDF ये भी आपको स्कोर कार्ड CET का स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना है। आप याद रखिए CET की जो वेबसाइट थी अलग थी, और ये जहाँ पे आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो ये अलग है। उसके बाद आपको हॉल टिकट CET का जो है वो भी अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट नंबर 6 है CET एप्लीकेशन फॉर्म 2020 जो आपने दिया है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। आपको करना है अपलोड यहाँ पे एनी वन फ्रॉम नंबर 5 नंबर 6 कैन बी अपलोडेड, मतलब अगर आपके पास हॉल टिकट है तो आप, CET एप्लीकेशन नहीं है तो भी आप अगर अपलोड ना करें तो भी चलेगा। डॉक्यूमेंट नंबर 5 और 6 में से एक चाहिए, अगर दोनों है तो अच्छी बात है, दोनों भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन दोनों में से एक होना बहुत ज़रूरी है। और आपको डॉक्यूमेंट नंबर 7 है डोमेसाइल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर आपके प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन किया गया हो वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो उस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके आपका प्लेस ऑफ बर्थ इंडिकेट होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। या फिर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी, जिसके ऊपर आपका प्लेस ऑफ बर्थ दिया हुआ है, ये आपको अपलोड करना है। ये इसलिए कि आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, या फिर फॉरेनर्स हो, उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये 7 डॉक्यूमेंट जो है सबको, सारे कैंडिडेट्स को अपलोड करने हैं। इसके बाद के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल है, मतलब जिनको एप्लीकेबल है उनको ही वो अपलोड करने हैं। अब यहाँ है इन एडिशन टू द अबो डॉक्यूमेंट्स, कैंडिडेट्स को, जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उनको उस रिजर्वेशन का फायदा चाहिए तो उनको क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। महाराष्ट्र टाइप स्टेट टाइप ए कैंडिडेट्स, इनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है, ऊपर के डॉक्यूमेंट के साथ डोमेसाइल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसके ऊपर प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र स्टेट में हो, इस तरह से इंडिकेशन हो, या फिर कम्युनिटी नेटिविटी या फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो किसी की भी तरफ से दी जाती है, तो वो आपको अपलोड आप यहाँ पे करना है, ये दिखाने के लिए कि आप डोमेसाइल, आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो। तो आपको क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स होती है वो महाराष्ट्र कैंडिडेट के रिजर्व होती है, इसीलिए आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। टाइप ए में, टाइप बी महाराष्ट्र कैंडिडेट, उनके लिए जिनके मदर या फादर जो है वो कैंडिडेट महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये दिखाने वाला कोई भी डॉक्यूमेंट आएगा। टाइप सी महाराष्ट्र कैंडिडेट, उनको प्रो फॉर्मा ए जो इस ब्रोशर के अंत में दिया हुआ है उसमें भरा हुआ अंडरटेकिंग चाहिए या सर्टिफिकेट चाहिए। टाइप डी जो कैंडिडेट महाराष्ट्र कैंडिडेट, उनके लिए भी प्रोफार्मा B1 वो इसी ब्रोशर में बाद में दिया हुआ है, उसमें आपका उस हिसाब से सर्टिफिकेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट टाइप ई कैंडिडेट, ये आपको इन सब की जानकारी आपको ब्रोशर में ऊपर दी हुई है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर 54 पेज पर आया इसलिए आपको नहीं दिखाई दिया, लेकिन ये सर इसके जो डेफिनेशंस है किसको टाइप, कौन टाइप ए कैंडिडेट है, BCD कौन कैंडिडेट है, इसके लिए आपको ब्रोशर में जो पहली वाली जानकारी वो आपको पढ़नी होगी। अब महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के बाद आपको आना है 7 नंबर, इस पर आपको क्या अपलोड करना है, जो बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST है उनको कास्ट सर्टिफिकेट के साथ वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के पास नहीं है तो अगर आपने एप्लीकेशन दिया हुआ है तो उसकी रिसीट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि पहले राउंड से पहले आपके पास वैलिडिटी सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, अदरवाइज आपको ओपन कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। तो अगर आपने अभी एप्लीकेशन नहीं किया है तो आप इस बेसिस पर CET के स्कोर कार्ड और इस ब्रोशर के बेसिस पर आप अभी एप्लीकेशन कीजिए, ताकि आपको जो है वो इसकी रिसीट मिल जाए। ये ऑनलाइन भी किया जा सकता है, तो आप ऑनलाइन जाइए और वहाँ से आप इसका एप्लीकेशन कर दीजिए।
बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट बिलोंग टू वीजे डीटी ओबीसी एनटी एसबीसी, ये जो है इनके लिए भी सेम कंडीशन है, कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी आ जानी चाहिए। अगर वैलिडिटी नहीं है तो उसकी रिसीट भी चलेगी, लेकिन फर्स्ट राउंड से पहले आपका वैलिडिटी सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। उसके साथ आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है जो 31 मार्च 2021 तक के वैलिड है। अगर यहाँ तक वैलिड नहीं है तो फिर आपको ओपन कैटेगरी में माना जाएगा। उसके बाद जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैंडिडेट है उनके लिए भी यही है कि वो जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट की तरफ से आता है, जिनका इनकम कम है, ये भी आपको उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर नहीं दिया है तो आप अभी अप्लाई करके उसकी रिसीट दीजिए, लेकिन पहले राउंड से पहले आपके पास वो सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। उसके बाद के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो सर्विसमैन है डिफेंस, जो अलग अलग कैटेगरी से डिफेंस और या फिर डिफेंस से कैंडिडेट आते हैं जो महाराष्ट्र डोमिसाइल है, नॉन महाराष्ट्र डोमिसाइल, तो उसके लिए अलग अलग प्रोफार्मा दिए हुए हैं कैंडिडेट प्रोफार्मा सी, ये जो है ये आपको इसी ब्रोशर में अंत में मिल जाएगी। अगर कैंडिडेट जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट जो है वो उनके लिए ये अलग अलग कैटेगरी दी है, तो उनके लिए भी यहाँ पर कुछ प्रोफार्मा इसी ब्रोशर में दिया हुआ है, तो वो आपको चाहिए कि आप सबमिट करो, अपलोड करो। उसके बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और माइग्रेंट के जो कैंडिडेट, उनके भी लिए कुछ प्रोफार्मा यहाँ पर दिया हुआ है, आप वो देख लीजिए, ब्रोशर के अंत में है। फॉरेन जो नेशनल्स है या फॉरेन स्टूडेंट्स है उनके लिए भी यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पर दिए गए। यूनिवर्सिटी कंसर्न यूनिवर्सिटी की तरफ से एलिजिबिलिटी लेटर्स चाहिए होता है, या फिर वो फॉरेनर है उसका जो प्रूफ है वो कैंडिडेट्स उनके लिए पासपोर्ट या फिर वीज़ा, वैलिड वीज़ा, ये अलग अलग चीज़ें चाहिए। जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या ओवरसीज सिटीजन है उनके लिए भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इनकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, ये उनको अपलोड करनी होगी। जो वर्कर्स है गल्फ कंट्रीज़ में काम करते हैं उनके लिए भी उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने चाहिए यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से आपको अपलोड करने होंगे। जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है उनके लिए भी सीट रिजर्व होते हैं, इसलिए उन्होंने भी कुछ यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दिए हुए वो डॉक्यूमेंट उनको यहाँ पर अपलोड करने होंगे, उसकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। माइनॉरिटी कैंडिडेट जो माइनॉरिटी के रिजर्वेशन चाहते हैं उनके तरफ से माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है, प्रोफार्मा वो नीचे दिया हुआ है इस ब्रोशर के अंत में, आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर लिविंग सर्टिफिकेट जिसमें ये लिखा हो कि ये रिलीजन या मदर टंग कौन सी, ये इंडिकेट हो जाए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी उस महाराष्ट्र स्टेट से होना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट फॉर ऑर्फन कैंडिडेट जो है इनके जिनके लिए एलिजिबल है वो उनके लिए भी ये लेटर कौन सा अपलोड होना ज़रूरी है, तो ये सारे परफॉर्मेंस जो है प्रोफार्मेंस यहाँ पर दिए हुए हैं अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट्स है तो अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन का जो ईमेल आईडी वो भी ब्रोशर में दिया हुआ है, आप उस पर आपके जो क्वेरीज है वो आपको यहाँ पर ईमेल कर सकते हो। मैं फिर से एक बार कहूँगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए और ये ब्रोशर डाउनलोड करके उसके हर एक लाइन पढ़िए ताकि आपको एडमिशन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना आए।